एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मिस टाइमली एंड रेनो वालेंसिया को देखते हैं। मिस मिनट टीवी में कहीं भी आ जा सकती है, उसे कोई रोक टोक नहीं है। वो वेक्टर टाइमली को वापस बुलाती है जिससे वो एम्परर रूम प्रिपेयर कर सके। ओबी और मोबियस चाहते हैं कि हम टाइमली के ऑरा से ब्लास्ट डोर्स को ओपन कर सकें और टाइम लूप को रिपेयर कर सकें, और सिल्वी ही रोमेंस के हर वेरिएंट को मारना चाहती है। लेकिन वो जब टाइमली को देखती है तो उसको एहसास होता है कि वो एक आम इंसान को मार रही है, और वो मोबियस और ओबी को टीवीएस सौंप देती है और लेंसियर को धक्का देके सिटेडल में भेज देती है, जहाँ उसकी मुलाकात मिस मिनट से होती है। मिस मिनट रेनोवा लेंसियर को कुछ दिखाती है जहाँ पे ही रोमेंस और लेंसियर बात करते हैं, और ही रोमेंस लेंसियर को बताता है कि टाइम के एंड में एक ऐसी दुनिया है जो सिर्फ हमारे लिए है। ही रोमेंस लेंसियर को अपने साथ जंग में लड़ने के लिए शुक्रिया करता है और लेंसियर वहाँ से चली जाती है। ही रोमेंस मिस मिनट को बोलता है कि प्रोटोकॉल 42 स्टार्ट करो और उसकी यादें मिटा दो, और सबकी यादें मिटा दो। मिस मिनट बोलती हैं लेंसियर को, हाँ तुम यहाँ थी। लेंसियर फिर पूछती है कि मैंने इसकी सही में युद्ध में मदद की थी। मिस मिनट बोलती है, तुमने केवल मदद ही नहीं, तुम टीवी की एक लीडर थी। लेंसियर को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है कि ये तो खुद एक राजा बन के बैठा हुआ और इसने मुझसे बहुत गलत काम करवाए, क्या अब ही रोमेंस की ज़रूरत है? मिस मिनट बोलती है, शायद अब हमें इसकी किसी ज़रूरत नहीं। ही हू रिमेंस का एक वेरिएंट वेक्टर टाइमली टेंपल रूम में आ जाता है, और वहाँ उसकी मुलाकात लोकी, B15, मोबियस, सेल्वी एंड कैसे से होती है। विक्टर को लगता है कि शायद ये इसका ही लूम है। लोकी उसको बताता है कि ये तुम्हारा ही लूम है और तुम ही इसको ठीक कर सकते हो। सीन शिफ्ट होता है B15, जहाँ वो जज से बात करती है, और जज उसको एक सजेशन देती है कि तुम डॉक्स को कन्विंस करो कि तुम टीवी को सेव कर रही हो, ना कि टीवी की शाखाओं को बर्बाद करके टीवी को सेव किया जाता है। तुम ये कर सकती हो, और ये वो बोल के वहाँ से चले जाती है। सीन शिफ्ट होता है ओबी पे। ओबी सबको बताता है कि कैसे हम टेंपल रूम को फिक्स कर सकते हैं। वो बताता है कि हम कैसे पैसे के थ्रू मल्टीप्लायर को लेके हम लॉन्चर में उसको कनेक्ट करेंगे और उसको टाइम लूम की तरफ करके ग्रीन बटन दबाएंगे। इससे टाइम रिंग का साइज इंक्रीज हो जाएगा और बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा शाखाएं जा पाएंगी। इस सीन में हमें एक टाइमली का डिवाइस देखने मिलता है जो थ्रूपुट मल्टीप्लायर को बनाने में मदद कर सकता है। ओबी, केसी और टाइमली मिलकर मल्टीप्लायर को बनाने में मदद करते हैं। सीन शिफ्ट होता है जनरल लॉक्स पर। हंटर B15 बोलती है, मैं यहाँ तुम्हारी ऑमलेट मैन की मदद करने आई हूँ। अगर हम इस जगह को बचाने के लिए रेंसलेयर से लड़ना पड़े या किसी और से, तो तुम हमारा साथ दोगी? ये बात बोल के बी हंटर वहाँ से चले जाती है। सीन शिफ्ट होता है सिल्वी पर। वो केक की दुकान में आ जाती है जहाँ लोकी उससे मिलता है और मोबियस के बारे में बात करना चाहता है। वो भी हम जैसा अंधेरे में रोशनी ढूंढ रहा है। लोकी बोलता है, मैंने भी तुमसे मदद मांगी थी पर तुम चले गई। सिल्वी को गुस्सा आता है और वो बोलती है, मैं अभी तुम्हारे सामने हूँ। लोकी बोलता है, वो इसलिए क्योंकि तुम टाइमली को मार ना सके। सिल्वी बताती है कि टाइमली बहुत डरा हुआ था, बट ही रोमेंस डरा हुआ नहीं था। सिल्वी लोकी को बोलती है, तुम्हें इतना विश्वास है ओबी और टाइमली पर कि जो उससे वो सब कुछ ठीक कर देंगे? ये बात बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है जनरल डॉक्स पर। वहाँ लेंसियर आ जाती है और जनरल डॉक्स को अपनी तरफ करने की कोशिश करती है, बट डॉक्स मना कर देती है। लेकिन X5 लेंसियर से मिल जाता है और लेंसियर सबको क्यूब बॉक्स में दबा के मार देती है और वहाँ से चले जाती है। और यहाँ
टाइमली मल्टीप्लायर के अंदर अपना प्रोटोटाइप फिट करता है और मोबियस को हॉट चॉकलेट पीते हुए देखता है और पूछता है कि ये क्या है, क्या मैं इस मशीन को देख सकता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। हंटर बी बंद्रा जेल में देखती है सब मर चुके हैं। वो डर के मोबियस को टाइम पैड से कॉन्टेक्ट करती है, बट मिस मिनट हर टाइम पैड पे अपना कंट्रोल कर लिया। मशीन की तरफ देखता है तो वहाँ पे X5 आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है, ओबी का सिस्टम करप्ट हो जाता है। मिस मिनट सब टाइम पैड पर कंट्रोल कर लेती है। ओबी, मोबियस और केसी मल्टीप्लायर को लेकर टाइमली के पास जाते हैं और देखते हैं कि टाइमली गायब है। हंटर भी बंद्रा सबको बताती है कि डॉक्स और उसकी पूरी टीम मर चुकी है, शायद ये रेंसली ने किया होगा। मोबियस बताता है कि टाइमली गायब है और मिस मिनट वापस आ गई है। X5 टाइमली को रेंसर के पास ले जाता है और रेंसर उससे पूछती है कि डिवाइस कहाँ है। टाइमली बताने से मना कर देता है। रेंसर बोलती है X5 तुमको बहुत दर्द भरी मौत देगा अगर तुम मुझे नहीं बताया तो। टाइमली डर जाता है और सब बताने को तैयार हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है लूम पर। लूम पर बहुत ज़्यादा हलचल होते हुए दिखती है। लोगी भगते हुए लिफ्ट के पास जाता है और उसे वहाँ फ़ोन रिंग करता हुआ सुनाई देता है। वो उसके पास जाता है, वहाँ उसे अपना एक वेरिएंट दिखता है। लोकी उसे टाइम स्टिक की मदद से वापस भेज देता है और फ़ोन उठा के ओबीस को बताता है कि मिस यूनिट हर चीज़ों पर कंट्रोल कर रही है और हमें रोक रही है। ओबी बोलता है मैं उसे सभी सिस्टम से बाहर निकाल सकता हूँ लेकिन मुझे सिस्टम रीबूट करना पड़ेगा जिससे टीवी के प्रोटोकॉल्स हट जाएंगे। मूवीज बोलता है उसके नुकसान क्या है, तो वो भी बताता है कि टीवी के कुछ प्रोटोकॉल हैं जिसमें से कोई भी जादूगर अपनी जादुई शक्तियां टीवी के अंदर यूज नहीं कर सकता है, वो सेफ्टी फीचर हट जाए। ये बात सुन के लोकी और सिल्वी बोलते हैं तुम जल्द से जल्द रिबूट करो। सीन शिफ्ट होता है टाइमिंग पर। वो लेंसर को बताता है कि मल्टीप्लायर कहाँ लगेगा, उतने में लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। लेंसर बोलती है कि लूम लाइट इतना फ्लक्चुएट क्यों कर रही है। मिस मेड वहाँ आके बताती है कि सिस्टम रिबूट हो रहा है और मुझे बाहर निकाला जा रहा है। X5 जैसे भी बाहर जाता है तो उसे लोकी की आवाज़ सुनाई देती है। लोकी उसको हिप्नोटाइज करके लेंसर के पास भेज देता है और लेंसर पे टाइम स्टिक करके उसको वापस भेज देता है और टाइमली को बचा लेता है। टाइमली का सर स्कैन में डालकर ब्लास्ट डोर्स ओपन हो जाते हैं कि लूम की हालत बहुत ही ख़राब है, जल्द से जल्द किसी न किसी को उस रास्ते पर जाके मल्टीप्लायर को लगाना होगा। लोकी बोलता है मैं जाऊंगा, लेकिन टाइमली बोलते हैं मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मैं ही जानता हूँ कि मल्टीप्लायर को लगाते कैसे हैं। टाइमली जैसे ही बाहर जाता है वैसे ही रेडिएशन की वजह से समाप्त हो जाता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं। थोड़ी टाइम बाद टाइम लूप फट जाता है और यहाँ पे एपिसोड की होती है एंडिंग। नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।